स्वागत है दोस्तों आपका वेदांग क्लासेस के YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। इसमें हम प्रमुख प्रश्नों पर बात करेंगे। हमने 70 से अधिक प्रश्नों को संकलित किया है, यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा यह होगा कि इन 70 प्रश्नों से बाहर परीक्षा में कोई और प्रश्न नहीं आएगा। तो जितनी भी वीडियो बन पाती है इनकी, उन्हें आप ज़रूर देखें। हम सभी प्रश्नों को एक साथ संकलित करके एक ही वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला बना रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट ने आरटीई एक्ट 2009 को कब मंजूरी दी? चार ऑप्शन है आपके सामने यहाँ, 2 जुलाई 2009 को, 20 जुलाई 2009 को, या 30 जुलाई 2009 को, या 4 अगस्त 2009 को। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कैबिनेट ने 2 जुलाई 2009 को इसे मंजूरी दी। फिर इसके बाद 20 जुलाई 2009 को यह पहले राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद दूसरी जगह लोकसभा में गया और 4 अगस्त 2009 को यह पारित हुआ। यहां से तीन प्रश्न बनते हैं, कैबिनेट की मंजूरी, राज्यसभा की मंजूरी और लोकसभा में कब पारित हुआ या कब पास हुआ। अगला प्रश्न नंबर दो, आरटीई एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति महोदय ने कब हस्ताक्षर किए? 26 अगस्त 2009 को, या 15 अगस्त 2009 को, या 27 अगस्त 2009 को, या 16 अगस्त 2009 को। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि इसके बाद अगले ही दिन यानी 27 अगस्त 2009 को इसकी अधिसूचना प्रकाशित हो गई थी, अर्थात यह गजट में प्रकाशित करवा दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा कितना होना चाहिए? 1:30 या 1:35 या 1:40 या 30:1। तो इसका सही उत्तर होगा, प्राथमिक कक्षाओं में जब शिक्षक छात्र अनुपात की बात होती है तो वहाँ होता है 1:30। क्यों? क्योंकि जब 200 से कम छात्र होते हैं तो अनुपात रखना होता है 1:30, और यदि 200 से ज़्यादा छात्र हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी हो, वहाँ अनुपात करना होता है शिक्षक 1 और छात्र संख्या 40। यदि 200 से ज़्यादा होंगे तो, 200 से कम होंगे तो 1:30 होना चाहिए। अगला प्रश्न चौथा, शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ, 35 घंटे तैयारी समय अलग से मिलता है, 45 घंटे तैयारी समय के साथ हैं, 40 घंटे तैयारी समय से अलग हैं, या 35 घंटे तैयारी के साथ। इसका सही उत्तर है 45 घंटे तैयारी समय के साथ हैं, यानी 45 घंटों में आप अध्यापन और अध्ययन दोनों कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हैं। यहाँ दो प्रश्न बन सकते हैं, एक प्राथमिक स्तर पर क्या है और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस व घंटे कितने निर्धारित हैं। इसी में हम दोनों प्रश्न कर देंगे। पहला ऑप्शन है 700 घंटे या 200 दिन, दूसरा ऑप्शन है 800 घंटे या 200 दिन, तीसरा ऑप्शन है 800 घंटे या 180 दिन, चौथा ऑप्शन है 700 घंटे या 180 दिन। तो प्राथमिक स्तर पर हम आपको बता दें कि 800 घंटे और 200 दिन निर्धारित है, लेकिन अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 या 6 से 8 के लिए यह 1000 × 220 दिन निर्धारित है। ठीक है, तो यहाँ प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21 से,
दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 क से, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 45, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 क को, यानी भाग 3 में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 क जोड़ करके अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया है। हम यहाँ बता दें आपको डिटेल कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए को जोड़ करके भाग 3 के मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर का। आरटीई एक्ट 2009 अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन 35:1, दूसरा ऑप्शन 30:1, तीसरा ऑप्शन 25:1 या चौथा ऑप्शन 40:1। तो हम आपको बता दें कि यदि प्राथमिक स्तर की बात होती है तो वहां पर 30:1 उत्तर होता है, लेकिन यदि अपर प्राइमरी या 6 से 8 हेतु बात करते हैं तो यहां पर 35:1 हमें रखना होता है। और यहां दो चीज़ें, दो प्रश्न और बन जाते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए यदि 200 से कम छात्र हैं तो क्या अनुपात होना चाहिए और 200 से ज़्यादा छात्र हैं तो क्या अनुपात होना चाहिए। तो हम आपको बताएं, यदि छात्र 200 से कम हैं तो अनुपात होगा 35:1, और यदि 200 से ज़्यादा छात्र हैं तो वहाँ 40:1 छात्र शिक्षक अनुपात रखना होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो क्या प्रावधान है? पहला ऑप्शन एक प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है एक प्रधानाध्यापक सहित 5 शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है एक प्रधानाध्यापक सहित 6 शिक्षक, चौथा ऑप्शन है एक प्रधानाध्यापक सहित 7 शिक्षक। तो देखिए, जब 150 से ज़्यादा बच्चे हो जाए प्राथमिक स्तर पर तो वहाँ पर एक प्रधान अध्यापक लगाना जरूरी होता है, तो एक प्रधानाध्यापक तो जरूर होगा, लेकिन अगर 150 छात्र हैं तो हमें देखना है कि 30 पर एक छात्र लगते हैं, 90 पे 3 लगते हैं, 120 पे 4 लगते हैं और 120 के ऊपर 5 लगते हैं, यानी कि 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के वह 6 शिक्षक होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एक प्रधान अध्यापक सहित 6 शिक्षक, ठीक है, तो एक प्रधान अध्यापक साथ में है और 5 शिक्षक भी हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा, अगर साथ में प्रधान अध्यापक कह दिया जाए तो 6 शिक्षक होंगे, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि प्रधान अध्यापक भी शिक्षक होता है, तो 5 अध्यापक तो 150 बच्चों पर और एक अध्यापक प्रधान अध्यापक बराबर 6, इसका ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी? उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 की बात हो रही है, तो 100 से अधिक होने पर प्रधान अध्यापक, या 150 से, या 200 से, या 250? इसका सही उत्तर है कि जब 100 से अधिक बच्चे हो जाते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में तो वहाँ पर एक प्रधान अध्यापक नियुक्त करना जरूरी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। दसवां प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है? तो हमें पता है कि 25% सीटें यानी ऑप्शन बी निर्धारित है निर्धन छात्रों के लिए। ये थे हमारे 10 प्रश्न, आगे हम 11 से 20 प्रश्न भी करेंगे, 31 से 30 प्रश्न भी करेंगे, जो भी प्रश्न होंगे 70 से 80 प्रश्न हैं इसके आरटी एक्ट 2009, और कंप्लीट हम इसका विवरण भी देंगे आपको धाराओं सहित, वो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।